हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आंसर एवरीथिंग। आज हम जानेंगे कि YouTube वीडियोज़ के लिए HD थंबनेल कैसे बनाते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि एक यूट्यूबर के लिए थंबनेल कितना आवश्यक होता है। एक YouTube को लाइक और व्यूज़ पाने में 60-70% योगदान केवल आपके थंबनेल का होता है। एक प्रोफेशनल HD थंबनेल अपने फ़ोन से कैसे बनाएं, आज हम आपको ये बताने वाले हैं। तो अपने थंबनेल बनाने के लिए सभी यूट्यूब क्रिएटर जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सभी नए यूट्यूबर के पास कंप्यूटर नहीं होता है। तो अगर आप अपने मोबाइल से HD थंबनेल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। ऐसा तो HD थंबनेल बनाने के लिए आपका काम कुछ एंड्रॉयड ऐप्स कर सकती हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे ऐप के बारे में बताएंगे जिनका प्रयोग यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। प्ले स्टोर पर ऐसी कई ऐप्स उपलब्ध हैं जिससे आप अपना थंबनेल बना सकते हैं। तो प्ले स्टोर पर कुछ मुख्य ऐप हैं जो आपको हम बता देते हैं कि इन ऐप से आप अपना थंबनेल बना सकते हैं। तो सबसे पहला ऐप है कैनवा। कैनवा की मदद से आप HD थंबनेल बना सकते हैं, लेकिन यह मतलब आपका जब इंटरनेट ऑन रहेगा तभी आप थंबनेल बना सकते हैं। यह एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। पिक्स प्रो, इससे भी आप, यह एक पेड एप्लीकेशन है। बड़े बड़े यूट्यूबर पिक्स प्रो का इस्तेमाल करते हैं। पिक्स आर्ट, इसका नाम तो आपने सुना होगा, इसकी सहायता से भी आप अपना थंबनेल बना सकते हैं। तो सबसे पॉपुलर ऐप है प्ले स्टोर पर पिक्सल लैब, जिसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से अपना थंबनेल HD में बना सकते हैं। और अंतिम थंबनेल मेकर है इंसान थंबनेल। पिक्सल लैब से थंबनेल बनाना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाकर पिक्सल लैब ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से हम उसका देख सकते हैं, पिक्सल लैब का आइकन ऐसा है। यहाँ से आप क्लिक करें पिक्सल लैब पर। पिक्सल लैब को ओपन करने पर यह कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। अब कोई भी थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी साइज़ को सिलेक्ट करते हैं। अब थंबनेल बनाने के लिए अपना एक वॉलपेपर आपने सेट कर लिया है। अगर आपको इन दिए गए वॉलपेपर में से ये वॉलपेपर आपको नहीं चाहिए, अगर आप इन पे अपना थंबनेल नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बगल में 3 डॉट है उस पर क्लिक करके, यूज इमेज फ्रॉम गैलरी है उस पर क्लिक करके आप अपने गैलरी से इमेज चुन के उस पर भी थंबनेल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसी पे थंबनेल बनाना है, तो आपको हम चलिए इसी पर एक थंबनेल बना के दिखाते हैं। जैसे आपको अगर टेक्स्ट पे लिखना है तो यहाँ पे न्यू टेक्स्ट पे डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया, जैसे अगर हमें थंबनेल बनाना है कि यूट्यूब पर थंबनेल कैसे बनाएं, तो यहाँ पे लिखेंगे आप, चलिए आपको बता देते हैं, यूट्यूब, यहाँ पर डन करिए। यहाँ पे YouTube लिखने के बाद डन कर दीजिए। देखिए यहाँ पे YouTube आ गया है। YouTube को ऐसे आप जूम कर सकते हैं। जूम करने के बाद आप आपको ए दिख रहा होगा, ए। यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट में कई प्रकार के इफेक्ट डाल सकते हैं। इस पर क्लिक करके ए पे क्लिक करें आप। ए पे क्लिक करने के बाद जैसे अपने फ़ॉन्ट को बदलना चाहते हैं, जैसे इस प्रकार करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपका टेक्स्ट का फ़ॉन्ट बदल गया। अगर आप यहाँ इसका बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं तो बैकग्राउंड पे क्लिक करिए। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर दीजिए। देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड बदल गया। नीला करना चाहते हैं नीला कर देंगे। फिर अगर यहाँ पर प्लस पर जाके आप कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। देखिए कोई भी कलर आकर चूज करके अपना थंबनेल बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपना थंबनेल यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करके अपना थंबनेल बना सकते हैं। अगर आपको फिर से अलग कोई टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करिए। यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पर न्यू टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पर थंबनेल अपना बना सकते हैं। अगर आपको अपने थंबनेल में कोई इमेज लगाना हो तो यहाँ के आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करने के बाद अपने गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ से आप जैसे ये आइकन लगाना है आपको, अगर ये आइकन लगाना है तो यहाँ पर साइज पर, अगर वृत्त के आकार का है तो आप वृत्त का साइज यहाँ से दिया होगा, यहाँ पे नहीं दिया है, अगर दिया होता तो हम वृत्त के आकार का साइज चूज कर लेते। तो यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे आप क्लिक करके ये साइज़ को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इसको छोटा करके, जैसे यूट्यूब का अगर आइकन होता मेरे पास तो मैं यूट्यूब का आइकन यहाँ पर लगा देता। तो यहाँ पर देखिए आप ऐसे लगा सकते हैं। इस प्रकार ये लग गया। अब यहाँ से आपको फिर से टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे आप टेक्स्ट पर क्लिक करिए और नया टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। आप फिर से अपना टेक्स्ट लिख पाएंगे। यहाँ पे आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं, इस पर क्लिक करके आप देखिए 3D टेक्स्ट लिख सकते हैं,
3D लिख सकते हैं, घुमावदार लिख सकते हैं। इस प्रकार आप सभी ऑप्शन पे क्लिक करके देख लें, यहाँ पे शेप लगा सकते हैं। अगर यहाँ से आपको क्या लगाना है, स्टिकर्स लगाना है तो यहाँ पे स्टिकर पे क्लिक करिए, और कई प्रकार के स्टिकर है, जैसे आपको ये लगाना है अगर तो यहाँ पे ऐसे ये लगा, इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिए गए हैं, सबका ऑप्शन का भी यूज करके देख लें तो आप आसानी से यूट्यूब पर थंबनेल बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद आपको अगर बैकग्राउंड इसका बदलना है, बैकग्राउंड यहाँ से बदलने के लिए आप जा सकते हैं। यहाँ से देखिए, अगर ब्राइटनेस आपको कम करना है, जिसका ब्राइटनेस आसानी से कम कर सकते हैं। देखिए कितना आकर्षक लग रहा है यहाँ से। अब बैकग्राउंड बढ़ाकर भी आप देखिए, तब भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे सेचुरेशन ऑन कर सकते हैं, कॉन्ट्रेस्ट, स्ट्रिप्स, कई प्रकार के इफेक्ट हैं इसमें, आप डाल सकते हैं आसानी से। और आपको यूट्यूब वीडियो अपना थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल सेव करना है, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करिए। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आप आसानी से यूज एक्सपोर्ट इमेज पर जाके अपना इमेज सेट कर लीजिए। और यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया है, सेव टू गैलरी पे क्लिक करके अपना इमेज सेव कर सकते हैं। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि कैसे यूट्यूबर अपना इमेज थंबनेल में अपना इमेज कैसे लगाते हैं। अपना इमेज में आप देखते होंगे, जब आप अपना इमेज क्लिक करते होंगे इसमें बैकग्राउंड भी होता है, तो बैकग्राउंड को हटा के कैसे अपना इमेज को लगाते हैं। अब जैसे अपना इमेज लगाने के लिए थंबनेल में प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं, फिर फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करते हैं। देखिए हम ये फोटो लगा के आपको दिखाते हैं कैसे लगता है ये फ़ोटो। अगर ये फ़ोटो आपको इसमें लगाना है तो आपको देखो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, लेकिन तब भी देखिए बहुत अच्छे से नहीं लग पाएगा जब तक आप इसका बैकग्राउंड को नहीं चेंज करेंगे। ये देखिए हम लगाने की कोशिश करते हैं, ये प्लस कैप में यहाँ देखिए कितना बड़ा लग रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप इस इमेज को बिल्कुल अच्छे तरीके से कैसे लगाएंगे, जैसे यूट्यूबर अपने थंबनेल में लगाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाएं। यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र हमने क्लिक कर लिया है। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आप यहाँ पे remove.bg पे क्लिक करिए। remove.bg पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। आप जिस इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करके आप अपना बैकग्राउंड हटा सकते हैं। यहाँ से हम ब्राउज करते हैं, यहाँ पे इस इमेज पे क्लिक करते हैं। देखिए इमेज अपलोड होने के बाद यहाँ से इसका बैकग्राउंड हट जाएगा। ये देखिए इसका बैकग्राउंड हट चुका है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। देखिए फ़ोटो डाउनलोड हो चुका है। अब फिर से आप अपने पिक्सल लैब में आने के बाद इसको हम रोटेट करने की कोशिश करते हैं। रोटेट कर दिए, इस इमेज को सिलेक्ट है, अभी ये इमेज सिलेक्ट है, इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आप प्लस के आइकन पे आइए, फिर यहाँ पे फिर फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करिए। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करने के बाद आपको ये इमेज नहीं सिलेक्ट करना है जिसमें बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हटाया वो इमेज सिलेक्ट करिए यहाँ से। यहाँ पे आप देखिए इसको थोड़ा सा कट कर लीजिए, कट नहीं भी करेंगे तब भी बैकग्राउंड आपका नहीं आएगा। ये देखिए आप आसानी से कितना बढ़िया तरीके से ये इमेज आपके थंबनेल पर सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आप यहाँ आसानी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब थंबनेल का जो बैकग्राउंड होता है उसी में ये फ़ोटो सिलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया सिलेक्ट। अब यहाँ पे आसानी से आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या करिए, यूज इमेज, यहाँ से आप इमेज जो एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करके अपना फ़ोटो यहाँ से सेव टू गैलरी करके सेव कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।